हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ब्राइट एंड रिजल्ट इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ श्री साइंस एकेडमी एंड साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वाटर रिलेशन इन प्लांट्स, और उसमें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, कि एक जगह का वाटर दूसरी जगह कैसे जाएगा, जैसे सॉइल का वाटर रूट हेयर से होता हुआ रूट में कैसे जाएगा, या असेंट ऑफ सैप यानी कि राइट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम से लेकर डिफरेंट एरियल पार्ट को वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, या ऐसे ही डिफरेंट एरियल पार्ट का वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, मतलब वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने अगर आपको याद होगा तो मैंने तीन तरीके बताया था। एक बताया था आपको कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर वाटर का मूवमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी सारी टेक्निकलिटीज, सारी एनर्जीज, सारी बातों को लेकर के हमने डिल में डिस्कस किया था। आई होप कि उसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। दूसरा जो रीजन या ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है डीपीडी ग्रेडियंट। इस पर हमने पिछले क्लास में आप चर्चा किया था और बताया था कि डीपीडी क्या चीज़ होती है। मैंने आपको ये बात बताया था कि जब प्योर सॉल्वेंट में कोई यहाँ पर सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो होता क्या, ध्यान दीजिएगा कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉल्यूट डाल देते मतलब सॉल्यूशन बन जाता है, तो उससे प्योर सॉल्वेंट के डीपीडी में कमी आ जाती है। यानी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करने पर डीपीडी की वैल्यू प्योर सॉल्वेंट की घट जाती है, और उसी कमी का नाम होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें हमने कहा था एक इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशन का नाम होता है स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन। इसी पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, आज का डिटेल हम लोग करने वाले हैं। और वो होता है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। इसी इक्वेशन का नाम है स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन, जिसमें डीपीडी क्या है, तो डीपीडी आपका है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसका डिटेल मैं पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुका है। और इसी को कहा जाता है सक्शन प्रेशर एसपी, इसी को सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो डीपीडी ही एसपी होता है। ओपी क्या होता है ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओपी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसकी बात हम आज करेंगे। और ऐसे ही आपका टीपी जो होता है वो होता है टर्गर प्रेशर, इसकी भी चर्चा आज के क्लास में होगी, ठीक है ना। तो इसमें से आउट ऑफ थ्री टर्म्स डीपीडी डिटेल में पहले हो चुका है, आज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ओपी और टीपी की बात आज आपसे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, ओपी से। अब फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर दिखाया जाएगा कि दो अलग अलग जो सेल्स होंगी कॉन्टेक्ट में रख दी जाएंगी, तो उसमें से इन सब ओपी और टीपी की वैल्यू दे दी जाएगी और वहां पूछा जाएगा किस सेल का वाटर किसमें जाएगा या मूव करेगा। तो चलिए वो सब बातें आगे होंगी, लेकिन पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आपका स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन आपके सामने है। आगे चल के देखना पड़ता है कि अगर किसी सेल को अगर हम हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में या मीडियम में डाल दें तो ये इक्वेशन बदल के कैसा हो जाता है, इस इक्वेशन में किस किस क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है और किसकी डिक्रीज करती है, और फाइनली इक्वेशन कैसा हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग, तीन बार अलग अलग मीडियम में डाल के इसको चेक किया जाएगा कि इस इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी कैसे कैसे बदलती है। एक बार हाइपोटॉनिक में डालेंगे, एक बार हाइपरटॉनिक में डालेंगे, और एक बार आइसोटॉनिक में डाल देखा जाएगा। तो तीन अलग अलग जो हमको मीडियम है उसमें डाल के चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसे कैसे बदलता है, डीपीडी का क्या होगा। इसमें हमने कह दिया कि हमने हाइपरटॉनिक मीडियम में किसी सेल को डाल दिया तो उसका डीपीडी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा देखना पड़ेगा, ओपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, और ऐसे टीपी की वैल्यू क्या होगा हमको पता करना पड़ेगा। ये सब डिटेल बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले चलिए बात कर लेते हैं ओपी की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है, अब फिर हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक होता है थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, और ये प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जो बायो में अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा आपके सीएसआईआर वाले इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके पास एनर्जी जो कैलकुलेशंस हैं या एनर्जी का जो
यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसको लगा के और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। तो हम लोग उसी हिसाब से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेते हैं यहाँ पर हम लोग ऑस्मोसिस, पहले हम लेते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेंगे, बहुत मैथमेटिकल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा जाना ही पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हम आपसे करेंगे। पहले शुरू करते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। डिफ्यूजन की बात हम आपसे पहले ही कर चुके हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि एक वहाँ पर एनर्जी की बात हमने किया था आपसे कि किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लो कंसंट्रेशन वाली एरिया में मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन, है ना, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात मैं पहले आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, सुन लीजिए जरूर कि क्या होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। रीजन क्या होता है, मैंने जो आपको बताया था रीजन, ये बताया गया था कि कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन का एनर्जी से यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और मान ली यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है तो यहाँ क्या होगी, एनर्जी भी लोअर होगी। तो जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा वहाँ एनर्जी भी लोअर होगी, ये बात समझिए। तो हायर कंसंट्रेशन मतलब हो गया एरिया ऑफ हायर एनर्जी, कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। और ऐसे ही लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, लोअर एनर्जी, यहाँ पर लोअर एनर्जी भी हो जाएगी। और याद रखिएगा मूवमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो हमेशा एनर्जी ग्रेडियंट से ही आता है, यानी हमेशा जो कोई मॉलिक्यूल होता है अपने हायर एनर्जी वाली एरिया से लोअर की तरफ मूव करता है, ये रूल है। तो अब इसको अगर आपको याद रखेंगे तो आप बता सकेंगे कि व्हाई द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मॉलिक्यूल क्यों मूव करता है। तो आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, यानी जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल हाई होगा वहां पर उसकी एनर्जी भी हाई होगी, और जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल लो होगा वहां उसकी एनर्जी भी लो होगी। और हम जानते हैं मॉलिक्यूल हमेशा हायर एनर्जी वाली एरिया से लो की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए हायर कंसंट्रेशन मतलब एरिया ऑफ हायर एनर्जी से लोअर कंसंट्रेशन मतलब एरिया ऑफ लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल आपका मूव करता है। तो डिफ्यूजन की डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, रीजन बता दिया, एक मिनट। तो इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। तो डिफ्यूजन तो हमारा क्लियर हुआ, अब है ऑस्मोसिस क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, बस एक वर्ड जोड़ना है कि डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस। तो अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो आपका डिफ्यूजन ही ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन शर्त है कि वहां पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस वहां पे मूव करेंगे। और एसपीएम आप जानते हैं क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन विच अलाउज द पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ही होता ना, ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट अलाउ करे या पैसेज अलाउ करे उसे कहते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में एसपीएम कहा जाता है। हम क्या कह सकते हैं ऑस्मोसिस क्या चीज होती है, तो आप बोलेंगे डिफ्यूजन ही है ये, डिफ्यूजन, लेकिन किससे, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम, बस हो गया, यही ऑस्मोसिस। तो कहा जाता है ऑस्मोसिस ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बताएंगे तो कहेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए। जब आप सॉल्वेंट के टर्म में बात करेंगे तब क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव
फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप सोल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब याद रखिएगा तब होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक। इसको लेकर कंफ्यूज मत करिएगा भाई, इसको खूब कंफ्यूज करके खूब सिसार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी मैं कह दूं अगर कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो देखिए जैसा ये कैसे लोग कंफ्यूज करते हैं, यहां पे देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, पहली बात है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कहां से कहां, देखिए फ्रॉम द एरिया या सिस्टम कह सकते हैं, एरिया सिस्टम, एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा हायर कंसंट्रेशन टू क्या, लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन किसका कंसंट्रेशन लिया गया है, फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर उनके अपने मतलब सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लो की तरफ मूवमेंट होता है। बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहां जो लिखा है वो क्या लिखा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर, ध्यान दीजिएगा देयर हायर कंसंट्रेशन, देयर मतलब क्या सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाली एरिया में मूवमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर मतलब सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और इसी बात को आप जानते हैं कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन का ठीक उल्टा होता है ना, यानी जहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होगा वहां सोल्यूशन कंसंट्रेशन लो हो जाता है, बात समझिएगा। तो अगर मैं सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के टर्म में ही बात कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। अगर सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तब कहेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन का ठीक अपोजिट होता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई होता है वहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर होता है। जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उल्टा बोलना पड़ेगा कि फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा बात यहां बदल जाएगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्या होता है हाइपोटोनिक लोअर कंसंट्रेशन, बात समझिएगा, यहां बोल रहे थे हायर कंसंट्रेशन, यहां पर लोअर बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे और यहां पर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का ठीक उल्टा होता है, यहां क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपो से हाइपर में जाता है, तो मैंने एक साथ लिख दिया और इसको लेकर के लोग कंफ्यूज खूब रहते हैं, ठीक। तो जब कभी आप सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में बात कहेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की बात होगी तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और अगर सॉल्यूशन की बात होगी तब क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर सॉल्यूशन की बात होगी क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे फ्रॉम हाइपोटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, यहां सॉल्वेंट था यहां सॉल्यूशन है तो लोअर कंसंट्रेशन वाला इसको कहते हैं सॉल्यूशन, टू हाइपरटोनिक मतलब हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बात सही सही हर चार चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप सब जानते हैं कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जस्ट अपोजिट होता है, जहां सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो वहां सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई, और जहां पे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई वहां सॉल्वेंट कंसंट्रेशन लो, उल्टा होता है। तो जब भी आप सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे, लेकिन जब भी आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा लोअर टू हायर कहेंगे, यानी हाइपोटोनिक की तरफ बोलेंगे। इस बात को ढंग से आप याद कर लीजिएगा, तो जो स्टेटमेंट दिया जाता है ध्यान दीजिएगा उसके सयार में वैसे ही उलझा के देते हैं, तो आप उलझेंगे नहीं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना पड़ेगा कि किसके, कह देगा इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव,
अब आगे लोग ये नहीं देखते हैं कि वो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है कि सोल्यूशन की बात कर रहा है, रटे रटाए बैठे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन रट के बैठे हैं। अरे भैया लोअर टू हायर सोल्यूशन न होता है, अगर वो सॉल्वेंट कहेगा तो उल्टा बोलना पड़ेगा, तब हायर टू लोअर बोलना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप सीएसआईआर क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है वहां का, और लोग फट से गलती करते हैं। अरे पढ़े थे कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है, अरे लोअर से हायर में कब जाता है, जब सोल्यूशन की बात होती है तब लोअर टू हायर होता है, अगर सॉल्वेंट की बात होगी तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मैंने कई बार एक ही बात बताने की कोशिश की है और आई होप कि अब आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेटमेंट में वो सोल्यूशन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है अथवा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। मैं फिर रिपीट करूं, अगर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कहेगा तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा, लेकिन अगर सोल्यूशन कंसंट्रेशन की बात कही जाएगी तो हमेशा हाइपोटोनिक मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा। आई होप कि अब आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों होता है तो मैंने बताया कि जिसको मूव करना है, किसे मूव करना है, सॉल्वेंट को, और मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है, तो जहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई है वहां एनर्जी भी सॉल्वेंट की हाई होगी, और जहां सॉल्वेंट कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि लो है वहां एनर्जी भी लो होगी। और फिर वही टॉपिक पकड़िए कि मॉलिक्यूल का मोमेंट हमेशा हायर एनर्जी वाले एरिया अथवा सिस्टम से लोअर एनर्जी वाली एरिया या सिस्टम को होता है, भूलिएगा नहीं। तो जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई वहां सॉल्वेंट की एनर्जी हाई, और जहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लोअर वहां एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट लोअर। तो हम तरीका क्या जानते हैं, हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले सिस्टम में ही सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ये लेवल आपके सीएसआईआर का है भाई। तो खाली पढ़ लिया ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन व्हिच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये पढ़ के सीएसआईआर नहीं निकलेगा भाई, साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, दोनों तरीके समझिए। सोल्यूशन के टर्म में बोलेगा तब क्या समझेंगे, और सॉल्वेंट के टर्म में बोलेगा तब क्या समझेंगे, और कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के नाते मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का ग्रेडियंट आ रहा है। हमेशा ड्राइविंग फोर्स आप जानते हैं, सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स हमेशा एनर्जी ग्रेडियंट ही होता है। तो इस तरह का अप्रोच आपको रखना चाहिए, तब आप सीएसआईआर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी डिफिनेशन, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, ऑस्मोसिस तो पढ़ा रहे हैं, अरे यार ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं, लेवल क्या है ये देखो भाई। ऑस्मोसिस का क्वेश्चन हम सीएसआईआर में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, सीएसआईआर का लेवल एक लेवल होता है। तो डिफिनेशन पढ़ के चले गए सीएसआईआर क्वेश्चन सॉल्व करने तो नहीं सॉल्व होगा आपका ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का क्वेश्चन देखने के लिए ये अप्रोच लगाना पड़ेगा, तब सीएसआईआर का क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। इस तरह से चीजों को ध्यान दीजिएगा, वही टॉपिक पीजीटी पीजीटी में आएगा, ईजी आएगा, और वही सेम टॉपिक अगर सीएसआईआर में गा तो उसमें टेक्निकलिटी रहेगी, वो झेला देगा आपको, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अप्रोच अगर आपका रहेगा तो आप नहीं झेलेंगे और क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इसमें स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा आपको, ठीक है ना। तो आसमानी समझ हो गई, अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ढेर सारे डजन्स ऑफ डेफिनेशंस हैं, उसमें से हम एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन जो कि एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है उसको लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, एक यहाँ पर आपने, आप लोगों ने अपने लैब में ऑस्मोमीटर देखा होगा, कुछ ऐसे यू टाइप की ट्यूब होती है, ये हो गया आपका ऑस्मोमीटर, और यहाँ पे लगा होता है आप जानते हैं एसपीएम, यहाँ लगी होती है सेमी परमेबल, यहाँ पे मेम्ब्रेन ये लगी है, ये एसपीएम हो गई, यानी ये हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम हो गई, ठीक। अब इसके दो आर्म्स हैं, एक आर्म को आप ए लिख लीजिए, एक आर्म को आप बी लिख लीजिए। अब इन दोनों में आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो एक आर्म में प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर भर दीजिए और एक में कोई सोल्यूशन डाल दीजिए, या तो ये कर लीजिए, या फिर दोनों में अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन डाल दीजिए। चलिए हम अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन यहाँ पर मान ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये आर्म ए है, इसमें सपोज करिए कि हमने इसमें सुक्रोज सोल्यूशन डाला है, और आर्म बी में भी मान लीजिए आपने, थोड़ा सा इसको और नीचे कर दें,
मान लीजिए हम यहीं तक खाली डालेंगे, यहां तक मान लीजिए हमने यहां पर सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया, और यहां पर भी मानिए उसी हाइट तक यहां पर भी हमने सुक्रोज सॉल्यूशन यहां पर डाल दिया, तो केमिकल कंपोजिशन तो आपने कर दिया दोनों ही सुक्रोज सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पे कैसा है मान लीजिए मैं कह दूं यहां पे 0.25 मोलरिटी का सुक्रोज सॉल्यूशन है। मोलरिटी आई होप आप जानते होंगे, मोलरिटी क्या है आप जानते हैं, तो इसे कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जानते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, और हमने जब आपको मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ाया था इसके पहले बायोकेमिस्ट्री में, तो वहां पर हमने आपको सारे फार्मूले सारे कैलकुलेशन हमने बताए थे, आई होप कि वहां पे गलती आपसे नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सब वहां डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिएगा, आवश्यकता पड़े कभी दोहरा दिया जाएगा। यहां हम डायरेक्ट आते हैं, 0.25 एम यहां पे सुक्रोज सॉल्यूशन है, और इसमें मान लीजिए आर्म बी है, इसमें हमारा जो सोल्यूशन हो कैसा है, इसको मैं कह रहा हूं 0.5 एम का सुक्रोज सॉल्यूशन है, दोनों ही सुक्रोज सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है, अलग अलग है। एक कैसा है 0.25, ध्यान दीजिए यहां पर आपका 0.25 एम का है और यहां पे 0.5 एम का है, यानी कि ये 1/4 एम का है और ये 1/2 एम का है, जस्ट डबल है ये, यानी इसका कंसंट्रेशन लो है, इसका आप देख रहे हैं कि हाई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक, ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपका हो गया, ये हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और जिसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन का हाई है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन हो गए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय, आप मान लीजिए सिस्टम आपने यहां पे ऐसे आपने अपना एस्टेब्लिश कर दिया, तो थोड़े ही समय में आप क्या देखेंगे कि जो आर्म बी है जिसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन भरा है, जिसमें गाढ़ा सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें सोल्यूशन का लेवल आपको ऐसे उठता दिखाई देगा, ये बढ़ता दिखाई देगा, जबकि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो था, ध्यान दीजिए शुरू में हमने दोनों को इक्वल लेवल पर रखा था, तो टाइम जैसे जैसे पास होगा आप देखेंगे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सोल्यूशन का लेवल है ये क्या करेगा, ये घटता नजर आएगा, लेवल इसका घटेगा और इसका लेवल बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अब आप इसमें आइए, ये मेम्ब्रेन कैसी है, ये SPM है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये किसकी एंट्री अलाउ करती है, तो आप जानते हैं कि खाली बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, यानी क्या करती है, अलाउज द पैसेज, ये सब बात आप जानते हैं, पैसेज ऑफ क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, मतलब खाली वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री अलाउ करेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, और हमारा सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, मॉलिक्यूल्स ओनली, इसको रट लीजिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पैसेज को, उसके आने जाने को बस यहां पे अलाउ करेगी, सल्यूट को यानी शुगर को अलाउ नहीं करेगी। तब आप खुद सोचिए, अगर इसका लेवल टाइम के साथ घट रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, तो इसके अंदर कोई चीज आ रही होगी, इसके अंदर से निकल के यहां आ रही होगी, और मेम्ब्रेन कैसी है, SPM है, तो खाली वाटर की एंट्री अलाउ करती है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि यहां से खाली बस जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहां पर आ रहे होंगे, ठीक है ना, यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर निकल के हाइपरटोनिक में जा रहा होगा, और इसी इवेंट को तो हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये आपका हो गया ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, मैंने पहले बता दिया है कि जहां पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक है, वहां ध्यान दीजिएगा, जिसका मूवमेंट होता है हमेशा उसी के एनर्जी और कंसंट्रेशन के बारे में सोचिए, सोल्यूशन के बारे में मत सोचो भाई, सोल्यूशन के बारे में सोचने से फायदा तो नहीं होने वाला है। हाँ, सोल्यूशन की मदद से सॉल्वेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आपने जब कहा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो क्या सोल्यूशन को मूव करना है, नहीं, SPM के थ्रू सोल्यूशन थोड़ा मूव करेगा, कौन मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, तो आप सॉल्वेंट के बारे में सोचो ना, हम कह रेस में भाग लेना है जिसको, आप उसके बारे में सोचोगे, ताली बजाने वालों के बारे में सोचोगे भाई, क्या ताली बजाने वाले रेस में भाग ले रहे हैं, नहीं, जो दौड़ रहा है उसके बारे में सोचिए कि उस एनर्जी का लेवल क्या है, उसकी स्टेमिना क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, ताली तो कोई बजा लेगा, ठीक ना।
तो मूवमेंट किसका होना है, वाटर का होना है। इसलिए वाटर की एनर्जी के बारे में सोचिए। और वाटर की एनर्जी हम कहां से जानेंगे, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, मैंने पहले बता दिया। इसका मतलब वाटर के कंसंट्रेशन के बारे में सोचिए। तो मैंने कहा था आपसे कि जहां पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता है, हाइपो होता है, वहां सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है। यानी सोल्यूशन कंसंट्रेशन लो तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई, यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। उल्टा बोलिए, सोल्यूशन कंसंट्रेशन लो तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई, यानी वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर हाई है। और जब वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा तो वाटर एनर्जी भी हाई होगी, यानी जो हमारा आर्म ए है इसमें वाटर की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। कह सकते हैं ना, हम क्या गिना सकते हैं, यहां पर हम देखिए लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं इसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन एंड हायर एनर्जी ऑफ वाटर। इसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन एंड हायर एनर्जी किसकी, ऑफ वाटर। वाटर का यहां पर कंसंट्रेशन भी हाई है और एनर्जी भी हाई है। जान दीजिए सोल्यूशन कंसंट्रेशन लो है तो वाटर कंसंट्रेशन हाई, उल्टा हो जाएगा, एनर्जी इसकी हाई हो गई। अब इसके पास आइए, यहां पे 0.5 है, देखिए यहां पर 0.25 एम का सुक्रोज सोल्यूशन है और यहां पे 0.5 का है, यानी यहां पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाई है तो उल्टा बोलना है, मोमेंट किसका होना है, वाटर का होना है। तो अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर यहां पे हाई है तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, उल्टा बोलना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर एनर्जी, यहां एंड का सिंबल है, एंड लोअर एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी ऑफ वाटर। ये बात मैंने पहले बताया, दोबारा याद रखिए, जहां पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाई होता है वहां वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है, लोअर होता है। ठीक, तो एक बात हम बहुत क्लियरली समझ गए, वो ये है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है, वाटर एनर्जी हाई होती है। और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है यहां पे वाटर कंसंट्रेशन और एनर्जी दोनों क्या होती है, लो होती है। तो वाटर का मूवमेंट होगा कहां से, हमेशा हायर एनर्जी वाली एरिया, ध्यान दीजिए यहां पर, हमेशा हायर एनर्जी वाली एरिया से लो की तरफ होगा। यहां देख क्या है, हायर कंसंट्रेशन है और हायर एनर्जी भी है किसकी, वाटर की। तो जहां पे वाटर की एनर्जी हाई होगी वहां से कहां जाएगा, लो की तरफ जाएगा। इसलिए वाटर हमेशा ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्या करना है, ये नहीं पढ़ना है कि ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक का वाटर हाइपरटोनिक में जाता है, आपको इसका रीजन पढ़ना है कि व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन थ्रू एसटीएम इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर हाइपरटोनिक में क्यों जाता है, इसको समझना है। तो मैंने ये बात आपको बता दिया, एनर्जी के बेसिस पर होता है। अब सुनिए, हम बात करना क्या चाह रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब ध्यान दीजिए, आपके पास जो सिस्टम है वहां पे क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां एनर्जी क्या है, हाई है, हाई एनर्जी ऑफ वाटर है। यहां एनर्जी क्या है, देखिए लोअर यहां पे कंसंट्रेशन, लोअर एनर्जी ऑफ वाटर है। अब ध्यान दीजिए, जब तक यहां पे एनर्जी का डिफरेंस बना रहेगा, जब तक एनर्जी का ग्रेडियंट बना रहेगा, तब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी। अगर एक तरफ एनर्जी अगर हाई और एक तरफ एनर्जी अगर लो रहेगी, तो हाई से वाटर निकल के लो में जाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, यानी ऑस्मोसिस हो रही है उसको रोक दिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही आर्म्स में वाटर का जो कंसंट्रेशन है या वाटर की जो एनर्जी, फ्री एनर्जी है, बराबर करना पड़ेगा। यानी यहां पर आपने जो हायर एनर्जी और यहां पर लो एनर्जी लिखा है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी बराबर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बराबर करने का तरीका ये होता है कि जहां पे लोअर एनर्जी है कहां पर होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एनर्जी लोअर होती है। तो इसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर, यानी कि जहां पे एनर्जी लोअर है वहां पर एक प्रेशर डालिए। तो क्या करना पड़ेगा,
यहीं पर आपको एक पिस्टन लगाना पड़ेगा और पिस्टन लगा करके इसी पर यहाँ पे कोई वेट रखना पड़ेगा, कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कितना प्रेशर लगाना है, तो बस खाली इतना प्रेशर लगा दीजिए जिससे जो यहाँ पे लोअर एनर्जी है उसका उसकी वैल्यू बढ़ जाए और बढ़ करके इसके बराबर हो जाए। ध्यान दीजिए तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर आप एक प्रेशर डालिए पिस्टन लगा के, और ये प्रेशर कितना डालना है तो बस इतना डाल दीजिए ताकि जो जिसकी एनर्जी जो लो है ना, ये जो लो एनर्जी है वो बढ़ जाए, और बढ़ कितनी हो जाए हायर के बराबर हो जाए, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की एनर्जी बढ़ के हाइपोटोनिक के बराबर हो जाए। और अगर इतना प्रेशर डाल देंगे कि इसका जो एनर्जी है यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन का जो एनर्जी है अगर वो बढ़ के हाइपोटोनिक के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में एनर्जी ग्रेडियंट नहीं रह जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस नहीं रह जाएगा और उस कंडीशन में ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। ध्यान दीजिए अब मेरी बात लास्ट सेंटेंस सुनिए, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर डाला गया वह प्रेशर, ध्यान दीजिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर डाला गया वह प्रेशर जो क्या कर दे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर दे उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है कि द प्रेशर एग्जर्टेड अपॉन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन विच क्या करता है विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देने के लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे जितना प्रेशर डाला जाता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा और उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक। हम क्या कहेंगे कि ये जरूर याद रखिए कहां पे प्रेशर डालते हैं, हमेशा हाइपरटोनिक पर डालते हैं क्योंकि हाइपरटोनिक की एनर्जी ही कम होती है और हमें कम एनर्जी को बढ़ाना है। उल्टा मत कर दीजिएगा, अगर कहीं हाइपोटोनिक पे प्रेशर डाल दिया यानी जिसकी एनर्जी पहले से ही हाई है अगर उस पे आपने एनर्जी अगर आपने प्रेशर डाल दिया तो क्या होगा, तब ऑस्मोसिस की रेट और तेजी से बढ़ जाएगी, तब और जल्दी जल्दी ऑस्मोसिस होने लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहां डालना है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे प्रेशर डालना है, और कितना डालना है, बस इतना डालना है जिससे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो एनर्जी है वो हाइपोटोनिक के बराबर हो जाए, इतना डालना है, ठीक। अगर कहीं आपने उससे ज्यादा प्रेशर डाल दिया तब क्या होगा भाई, अगर आपने जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर डाल तब क्या हो जाएगा, तब उल्टी प्रोसेस होने लगेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हाइपर अच्छा ये सारी कंडीशन याद रखिए, खूब क्वेश्चन मिलता है इस पर, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डाला तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी, ठीक। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा प्रेशर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तब उल्टी ऑस्मोसिस होने, जिसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का पानी पीते हैं आप लोग ना, यही है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अगर आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तब हाइपरटोनिक का वाटर हाइपोटोनिक में जाने लग जाएगा। जो नियम था कहां होना चाहिए, हाइपो का वाटर हाइपर में आता है, लेकिन अगर कहीं आपने इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर यानी कि हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन पर अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तब हाइपरटोनिक का वाटर उल्टा हो जाएगा, इधर वाटर जाने लग जाएगा, ऐसे का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। यही आरओ वाटर इसी प्रिंसिपल में बनाया जाता है। हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे कितना प्रेशर डालें तो क्या होगा। तो अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर प्रेशर डाला कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस बिल्कुल रुक जाएगी, है ना। यूं कहें दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, इधर दो दोनों की। अगर आपने यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर डाला तो जैसे ऑस्मोसिस हो रही थी वैसे होती रहेगी लेकिन रेट वहां पे घट जाएगी। तीसरी बात है कि अगर आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया तब ऑस्मोसिस की दिशा उल्टी हो जाएगी, तब हाइपरटोनिक सोल्यूशन का वाटर हाइपो में जाने लगेगा, इसी का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है और ये है CSIR का लेवल, ठीक है ना। खाली ये नहीं कि द प्रेशर एग्जर्टेड अपॉन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे ये तो जानना ही जानना है भाई,
ये तो नीट वाले भी जानते हैं, हाई स्कूल वाले भी जानते हैं, तो फिर सीएसआईआर किस बात का? हाँ, ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या बताएंगे कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पर डाला गया हुआ प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपको और क्या जानना चाहिए कि हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन पे प्रेशर डाल दें तो क्या होगा ऑस्मोसिस की रेट पर, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पर प्रेशर डालें तो क्या होगा ऑस्मोसिस की रेट पर और डायरेक्शन पर। अगर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा तो क्या होगा, अगर मैं प्रेशर डाल रहा हूं अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, और अगर मैं जो प्रेशर डाल रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर से लो होगा तो क्या होगा, ये जानना है सीएसआईआर। ये जानना सीएसआईआर का क्वेश्चन नहीं देगा कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पे डाला गया वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ये फार्मूला याद कर लें, प्रेशर पाई इक्वल टू जो होता है सीआरटी होता है, इससे काम नहीं चलेगा भाई। अगर इतनी खाली बात पढ़नी है तो आप नीट या बहुत कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर सीएसआईआर करना है उसके क्वेश्चन अगर आपको क्वालिफाई मतलब क्वेश्चन अगर क्रैक करने हैं सीएसआईआर अगर क्रैक करना है तो ये देखना पड़ेगा कि अगर हाइपो और हाइपरटॉनिक को यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर अलग कर दिया गया तो उस कंडीशन में किस पर प्रेशर डालने पर ऑस्मोसिस के रेट का क्या होगा और ऑस्मोसिस के डायरेक्शन का क्या होगा। और मैंने हर बात ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपका लेवल है। आपको ऑस्मोसिस में कौन कठिन है? अरे बहुत कठिन है, पढ़ के देखो जारी जा रहा था तो आप खुद सोचिए अब सारी बातों को कि अगर हाइपोटॉनिक पे प्रेशर डाल दे तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है ऑस्मोसिस की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, डायरेक्शन वही रह जाएगी। अब हाइपर पे आ जाइए, अगर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में प्रेशर डाल दिया गया तो अब देखना पड़ेगा प्रेशर है कितना, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो ऑस्मोसिस यहां पे रुक जाएगी, वही कहलाता ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में जो प्रेशर डाला अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी लेकिन रेट यहां पे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कहा गया कि अगर हाइपरटॉनिक पे डाला गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में ऑस्मोसिस की डायरेक्शन पलट जाएगी। तब यहां पे तब जो पहले हाइपोटॉनिक का वाटर आ रहा था हाइपर में अब उल्टा होने लगेगा, अब हाइपरटॉनिक का वाटर हाइपो में जाने लगेगा और इसे ही कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रिंसिपल पर आपके जो आरओ मशीन्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद से ये सारे क्वेश्चन दिमाग में रखिए कि एसपीएम के थ्रू अगर अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन अगर अलग कर दिए गए एसपीएम के थ्रू तो किस पर प्रेशर डालने पे क्या होता है, हाइपो पे डालने पे प्रेशर तब क्या होगा, हाइपर पे डालेंगे तब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर डालेंगे तब क्या होगा, उससे कम डालेंगे तब क्या होगा, उससे अधिक डालेंगे तब क्या होगा, इन सारी बातों का आंसर ढूंढिए। तब आप कहिए कि आई एम स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट सीएसआईआर लेवल। ये सीएसआईआर का लेवल है भाई, ठीक है ना। और तब इतना करने के बाद अपने क्वेश्चन आप देखिए कैसे नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन, कैसे नहीं सीएसआईआर क्वालिफाई होगा, बिल्कुल होगा। और फार्मूला याद कर लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सीआरटी होता है, जहां सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी यहां पे टेम्परेचर है। तो इतनी बात अगर आप जानते हैं ऑस्मोसिस पर तब आप कहिए कि हम ऑस्मोसिस को सीएसआईआर के लेवल पर जानते हैं। और ये फार्मूला याद करिए, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आर क्या है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.21 होती है और टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है। इतनी बात आप याद रखिए तब आप कहिए हम ऑस्मोसिस जानते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम लोग यही इक्वेशन पढ़ रहे थे, क्या हम पढ़ रहे थे डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इसमें से याद रखिए मैं डीपीडी जो है डीपीडी पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं, ये डीपीडी ऑलरेडी डिटेल में हो चुका है। मेरे पढ़ाने का लेवल देखिए और अपने सीएसआईआर का क्वेश्चन देखिए, पता चल जाएगा कि मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। तो डीपीडी हमने पिछले क्लास में कर दिया था, आज हमने ओपी डिटेल में कर दिया। अब इसके बाहर से सीएसआईआर नहीं कहीं क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप पढ़ के देखिए, इसको पढ़िए, ढंग से रिवाइज करिए, डाउट है फिर दोबारा डिस्कशन हमसे करिए और उसके बाद से फिर सीएसआईआर का पीवाईक्यू सॉल्व कर देखिए कैसे सॉल्व होता है, पक्का सॉल्व हो जाएगा।
अब एक बच गया हमारा टीपी, टर्गर प्रेशर बच गया, और इस टर्गर प्रेशर को अगले क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से जब ये हो जाएगा, टीपी डिस्कस हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर, अब इस सेल को हम अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में या मीडियम में डाल के चेक करेंगे कि अगर हमने हाइपोटॉनिक में डाल दिया तब ये डिफरेंट वैल्यूज कैसे कैसे बदलेंगी, हाइपरटॉनिक में डाल दिया तब ये वैल्यूज कैसे कैसे बदलेंगी, और अगर आइसोटॉनिक में डाल दिया तो ये वैल्यू कैसे कैसे बदलेंगी। तो चलिए अगले क्लास में हम टीपी उठाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। टीपी ऐसे आप जानते हैं डब्ल्यूपी वाल प्रेशर होता है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है, डिस्कस किया जाएगा। और ये करने के बाद सेल को अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में डाल के, मीडियम में डाल के, और इन सारी जो एंटिटीज हैं क्वांटिटी वैल्यू को देखा जाएगा कि किस कंडीशन में किसकी वैल्यू बढ़ती है और किसकी वैल्यू घटती है। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास इस उम्मीद के साथ हम रोक रहे हैं कि आप ये सारी बातें ढंग से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और इसमें कोई भी डाउट अगर होता है तो आप इसको फिर दोबारा हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो बस इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत स्वस्थ और खुश रह के अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिससे कि कमिंग एग्जाम में जब भी आप बैठे, जब भी आपका एग्जाम होता है, उसमें आपको बहुत हाई लेवल की, हाई रैंक से सिलेक्शन मिल जाए। चलिए इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्लास में रोकता हूँ।